सिंपल साइंसेस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न अबाउट द बायोलॉजी। मेरा एम ये है कि आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाए। बायोलॉजी जो है वो एक लर्निंग सब्जेक्ट है कि आप उसको याद कर लें और याद करने से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट समझने का सब्जेक्ट है। हाँ, टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी इज़ अ लर्निंग सब्जेक्ट, बट बायोलॉजी के सारे आस्पेक्ट्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका ह्यूमन बॉडी का सिस्टम हो चाहे प्लांट का हो। तो अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप जीवन में कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो बायोलॉजी इज़ नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट, ये समझने का सब्जेक्ट है कि इसको आप अच्छे से समझ सकें, हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस चल रही है उसके बेसिस पे। और मेरा मकसद ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी के हर टॉपिक्स को ध्यान से समझें, और जितना भी मैं नॉलेज दे सकता हूँ आपको, आप वीडियो चैनल्स को देखें और उससे आपको नॉलेज मिल सकता है। ये चैनल आप लोगों को बायोलॉजी के हर टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास है मेरा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर टू गेट द मोर नोटिफिकेशंस व्हेन वी अपलोड न्यू वीडियोस इन माय लेक्चर चैनल। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है कि जो टॉपिक्स आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ता है लिखा हुआ, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टॉपिक्स के बीच में आती हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ यहाँ पे ये स्टेप्स आएगा। तो बीच में वीडियो को छोड़े ना, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें, और देखने के साथ साथ उसमें जो भी बीच बीच में स्टेप्स आ रहे हैं, जो बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करें। तो प्लीज़ टुडेज टॉपिक इज़ माई फॉर द एज आई हैव डिस्कस प्रीवियसली वन कि हम लोग बात करेंगे लाइटिक वायरस की, लाइसोजेनिक वायरस की। तो आज हम लोग बात करते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक वायरसेस के बारे में। तो प्लीज़ लाइक। शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी द मोर नोटिफिकेशंस फॉर दिस। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक वायरसेस के बारे में। प्रीवियसली हम लोग ने दो लेक्चर में बात की थी वायरस के बारे में, कि वायरस का एक इंट्रोडक्शन था, उसमें बहुत सारे उसके क्लासिफिकेशंस किए गए थे। लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस ऑन द बेसिस ऑफ दियर लाइफ साइकिल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर लाइफ साइकिल वायरसेस आर कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स, द वन इज लाइटिक वायरसेस एंड सेकेंड वन इज द लाइसोजेनिक वायरस। लाइटिक वायरस एंड द लाइसोजेनिक वायरस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइटिक वायरस एंड द लाइसोजेनिक वायरस? फर्स्ट इज लाइटिक वायरस। लाइटिक स्टैंड्स फॉर लिसिस, मींस डेथ, एंड द लाइसोजेनिक वायरस, दिस टाइप ऑफ वायरस फॉर्म्स द प्रोफेज कंडीशन। तो बिल्कुल सिंपल अगर हम लोग बात करें लाइटिक वायरस और लाइसोजेनिक वायरस की, तो लाइटिक वायरस मींस ऐसे वायरस जो होस्ट में इन्फेक्शन करते हैं और विद इन बहुत जल्दी ही उस होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइसोजेनिक वायरस ऐसे वायरस जो होस्ट में इन्फेक्शन करते हैं और डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको फ्रॉम मंथ टू ईयर्स का समय लगता है। तो सिंपल वे में लाइटिक वायरस ऐसे वायरस हैं जो होस्ट में इन्फेक्शन करेंगे और विद इन वीक टू मंथ्स उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लाइसोजेनिक वायरस वो हैं जो होस्ट में इन्फेक्शन करेंगे और उस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए महीने, एक महीने से लेकर के सालों तक का समय लग सकता है। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें, अभी बहुत चल रहा है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है? दैट इज दिस टाइप ऑफ लाइटिक वायरस, मींस उसने होस्ट में इन्फेक्शन किया, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के मल्टीप्लिकेशन किया और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना ब्लॉक कर दिया, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया
ह्यूमन बॉडी की डेथ हो गई। लाइसोजेनिक वायरस, फॉर एग्जाम्पल एच आई वी, इफ द वायरस एच आई वी इज इंटर्ड इन द होस्ट सेल, इट प्रेजेंट इन साइड द सेल, ह्यूमन बींग को पता भी नहीं चलेगा उसकी बॉडी के अंदर होस्ट, उसकी बॉडी के अंदर एच आई वी प्रेजेंट है, और वो मल्टीप्लाई करता रहता है फ्रॉम मंथ टू ईयर्स, वो उसकी बॉडी में सर्वाइव कर रहा है। तो ईजली यू कैन गेट द आंसर वॉट इज लाइटिंग, मीन्स होस्ट में इन्फेक्शन किया, वीक टू मंथ, एक सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों के अंदर ही अंदर उस बॉडी की डेथ हो जाएगी। लाइसोजेनिक मीन्स होस्ट में इन्फेक्शन किया, और फ्रॉम मंथ टू ईयर, 10 ईयर्स भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम आता है वो मंथ्स टू ईयर चलता है, यहाँ पर वीक में आ जाता है, डेज टू वीक कर लें या वीक टू मंथ्स कर लें। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, मीन्स होस्ट में इन्फेक्शन करने के विद इन फ्यू वीक्स टू मंथ्स के अंदर अंदर उसकी बॉडी की डेथ हो जाएगी। तो वॉट आर द वेरियस स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द लिटिल वायरसेस, हियर द सिक्स्थ स्टेप इज प्रेजेंट। फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सेकेंड इज पेनिट्रेशन, थर्ड इज इनोक्यूलेशन, फोर्थ इज मल्टीप्लीकेशन, फिफ्थ इज असेंबली ऑफ न्यू फेज वायरसेस, एंड द सिक्स्थ इज रिलीज ऑफ न्यू वायरस। तो लाइफ साइकिल को हमने ये छः स्टेप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इनोक्यूलेशन, मल्टीप्लीकेशन, assembly of new phage viruses and the release of new phage viruses. Okay. Here is the diagrammatic representation of the lytic cycle. So you can get very easily what is lytic cycle. Lytic cycle means first step is this one. हम लोग ऐसे चलेंगे यहाँ से यहाँ, ये step आएगा, ठीक है, step by step बात करेंगे। तो first step is adsorption. Adsorption means वायरस का होस्ट सेल की बॉडी पर स्टे कर बैठना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरियोफेज की सरफेस पे बैठा हुआ है, दिस इज एड्सॉर्प्शन। इन द स्टेप ऑफ एड्सॉर्प्शन द वायरस इज अटैच्ड ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। हम लोग एक नया लेक्चर भी डेवलप करेंगे इस पर, वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल में। तो फर्स्ट स्टेप इज एड्सॉर्प्शन, मीन्स एडहेरेंस ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस ऑन द बैक्टीरियल सरफेस, वो अपने टेल फाइबर्स की सहायता से जाकर के उस पर बैठ गया है। इट इज द इजी वे टू रिमूव द वायरस, जैसे हम लोग बात करते हैं अभी कोरोना वायरस के चक्कर में कि हम लोग हैंड वॉश कर लें, तो अगर बॉडी आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन आया है तो वो वॉश आउट हो जाएगा। सिमिलरली हियर, यहाँ पर हम वायरस को ईजिली रिमूव कर सकते हैं बिकॉज ये यहाँ पे केवल बैठा हुआ है विद द टेल फाइबर्स। एनी हाउ अगर हम लोग इसको यहाँ से रिलीज कर दें तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कोरोना वायरस में कि बहुत फ्रिक्वेंटली अपने हैंड को वॉश करिए। If you are getting the contact with the coronavirus, तो आप जैसे ही अपने हैंड को वॉश करेंगे वो वायरस जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। This is this process. Adsorption. The second step is penetration. What is penetration? Penetration means insertion of their tail pins inside the cell wall of the bacteria. Means second step में वायरस क्या करेगा, अपने टेल पिंस को, जो ये पिंस लगी हैं, जो इसके टेल्स में पिन होती हैं, उन पिंस को सेल वॉल के अंदर प्रेस कर देगा, दैट इज पेनिट्रेशन। थर्ड स्टेप इज इनोक्यूलेशन, व्हाट इज इनोक्यूलेशन, मींस द रिलीज ऑफ दियर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द होस्ट सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दिस स्टेप ऑफ इनोक्यूलेशन वायरस सिंथेसाइज द सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स विच डिजॉल्व द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, या वी कैन से होस्ट। वायरस
एंजाइम का सिक्रीशन करेगा जो यहाँ की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा एंड वायरल डीएनए जो है वायरल जो न्यूक्लिक एसिड है दैट गोज इनसाइड द होस्ट सेल दिस इज इनोक्यूलेशन. तो वी हैव कंप्लीटेड 3 steps एड्सॉर्प्शन पेनिट्रेशन इनोक्यूलेशन. ये 3 steps कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट व्हेन द वायरल डीएनए इज गोज इनसाइड द होस्ट डीएनए सेल जब वायरस का डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा तो होगा क्या इट कंट्रोल्स द मशीनरी ऑफ द होस्ट. जैसे ही वायरस का डीएनए होस्ट सेल के अंदर गया इट ओवरऑल कंट्रोल्स द होस्ट मशीनरी और ये डीएनए जो है इसका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा यानी कि होस्ट डीएनए बिकम्स डिसइंटीग्रेट बाय यूजिंग दिस न्यूक्लिक एसिड बाय यूजिंग दिस DNTPs, RNTPs, it starts the multiplication. The next step is multiplication. Means viral DNA becomes multiply. We can say DNA or the RNA. Viruses both have the RNA or DNA. Viruses have either DNA or RNA. तो जो भी यहाँ पे enter किया है वो यहाँ पे multiplication होगा. It means viral DNA forms the other DNA, that is duplication process, transcription the formation of RNA from the DNA, translation the formation of proteins from the RNA. तो एक पूरी central dogma की जो mechanism है कि duplication means formation of DNA from DNA or we can say the generation of new copy of DNA, that is duplication. Transcription means formation of RNA from the DNA, that is transcription. And the body's translation, the formation of protein from the RNA. This is the central dogma. तो यहाँ पर जब सारी चीज़ें बन जाएंगी multiplication हो जाएगा तो this is the step where viral DNA is present, proteins is present and the RNA is present. तो यहाँ पर सब कुछ बन गया है. अब वायरस को क्या करना है केवल असेंबली करनी है. इट मीन्स उसके पास सारी रॉ मटेरियल्स तैयार हो चुके हैं. उसका डीएनए तैयार हो गया, उसकी प्रोटीन्स तैयार हो गई. अब क्या करना है उसको असेंबली करनी है. असेंबली मीन्स दिस स्टेप मीन्स वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. तो हमारा जो 5वां स्टेप था दैट इज असेंबली ऑफ न्यू वायरसेस. इट मीन्स हमारे जो वायरस के आरएनए मटेरियल्स तैयार हो चुके हैं जो प्रोटीन्स तैयार हो चुकी हैं वो सब असेंबल्ड होंगे, वो सब जुड़ना शुरू होंगे. और जुड़ने से क्या होगा नए वायरस का फॉर्मेशन हो गया. इट मीन्स यहाँ पे नए सारे वायरसेस जो हैं वो बन रहे हैं. लास्ट स्टेप आता है. लास्ट स्टेप में क्या होगा रिलीज ऑफ न्यू वायरसेस, रिलीज ऑफ न्यू प्रोजेनी. मीन्स प्रोजनी मीन्स नए वायरस का निर्माण शुरू हो गया. इट मीन्स बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो यहाँ बन चुके हैं. अब वो सेल को बस्ट करेंगे. जिस भी सेल के अंदर फॉर्मेशन हुआ है वायरस का वो सेल बस्ट कर जाएगी. और बस्ट करने से क्या होगा ऑल द न्यू वायरसेस आर रिलीज्ड इन द बॉडी फॉर द इन्फेक्शन टू अदर सेल्स. एक सेल के अंदर वायरस था उसने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से बहुत सारे वायरस बने. अब वो सेल बस्ट कर गई. बस्ट करने से क्या होगा जितने नए वायरस बने थे दे कम्स आउट फ्रॉम द सेल और जो आसपास की सराउंडिंग सेल्स हैं उसको जाके इन्फेक्ट करेंगे. तो इन द केस ऑफ लाइटिंग साइकिल हमने क्या देखा कि एक सेल स्टार्ट हुई, वो सेल बस्ट कर गई और बस्ट करने से क्या हुआ कि जो नए वायरसेस बने, जो नई प्रोजेनी बनी वो सारी बाहर निकली. बाहर निकलने के बाद उन्होंने नई सेल में इन्फेक्शन किया. ऐसे इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है कि विद इन वीक टू मंथ, मंथ बहुत लंबा समय हो जाएगा, विद इन वीक उस सेल की उस होस्ट की डेथ हो जाती है क्योंकि बहुत सारे वायरस बनते हैं और आसपास की सारी सेल्स को वो कवर कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ कोरोना
और दे कैन से COVID-19 व्हाट इज दिस. इन दिस केस वायरस व्हेन द वन वायरस और द थाउजेंड्स ऑफ वायरस गोज इनसाइड योर बॉडी इट इनफेक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपका जो लंग्स है, आपका जो ट्रैकिया पोर्शन है, वहाँ पे जा कर के वो सेल्स में एडहेयर होते हैं और बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस होते हैं. जस्ट लाइक दिस मल्टीप्लिकेशंस होंगे, मल्टीप्लिकेशंस होने के बाद में नंबर ऑफ वायरसेस बनेंगे. दिस इज कॉल्ड बस्ट साइज. दिस इज कॉल्ड बस्ट साइज. व्हाट इज बस्ट साइज? द नंबर ऑफ न्यू प्रोजेनी वायरस फॉर्म इनसाइड द सेल. एक सेल के अंदर कितने वायरस बन रहे हैं उसको कहते हैं बस्ट साइज. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लिवर सेल इज प्रेजेंट, इन द लिवर सेल एनी इन्फेक्शन ऑफ द वायरस एंड द नंबर ऑफ वायरस 200, इन द वन सेल 200 वायरसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो व्हाट इज द बस्ट साइज? दैट मीन्स 200. तो बस्ट साइज क्या हुआ? नाउ कितने वायरस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कहते हैं बस्ट साइज. तो यहाँ पे नए वायरसेस का फॉर्मेशन हुआ और वो इन्फेक्शन शुरू हो गया. तो ये साइकिल जो है फ्रॉम वीक टू मंथ्स, बहुत जल्दी क्या होता है, वीक्स के अंदर ही, एक सप्ताह के अंदर इतना इन्फेक्शन हो जाएगा कि उस होस्ट की डेथ हो जाएगी. अभी यहाँ पे एक सेल दिखाई पड़ रही है, ऐसे अगर बहुत सारे फॉर्मेशन हो गए तो जल्दी डेथ हो जाएगी. दिस इज द लाइटिंग साइकिल. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग एंड लाइसोजेनी? जैसे पहले बताया हमने, यहाँ पर मंथ्स टू ईयर्स चलता है, यानी कि वायरस जो है वो आपकी बॉडी में जाके चुपचाप बैठ गया, बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, बस प्रेजेंट है अपने साथ में. एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, चार महीना, वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. जब उसको एक्साइटमेंट हुआ या किसी तरह से उसको म्यूटेशन हुआ, स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन, तुरंत वो मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ और डेथ हो गई. तो ये आता है HIV के केस में. तो नेक्स्ट साइकिल में बात करेंगे लाइसोजेनिक के बारे में. अभी ये लाइटिंग साइकिल से कंप्लीट हुआ है. आई थिंक इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू लर्न अबाउट द लाइटिंग साइकिल, कम से कम समय में और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगी, इसको हमने सीखा लाइटिंग साइकिल के बारे में. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाइसोजेनिक के बारे में कि लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है. ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, और जो भी आपको पढ़ना है उसको भी आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है. तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में होगा. व्हाट इज़ द लाइसोजेनिक साइकिल? The only one difference is in the lysogenic cycle the prophase formation is present, जिस फॉर्म में वो हमेशा स्टेबल रहता है वायरस और बाद में एक्टिवेट होता है. तो हम लोगों ने यहाँ बात की लाइटिंग लाइसोजेनिक की. तो प्लीज आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट द मोर नॉलेज अबाउट द लाइटिंग साइकिल. और इतना सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की गई है. एक बार आपने इसके स्टेप्स को समझ लिया, जो मैं पांच स्टेप्स की बात की, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इनोकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, असेंबली ऑफ न्यू फेज वायरस एंड द रिलीज ऑफ न्यू फेज वायरस. तो ये जो छह स्टेप्स हैं ये आप अपने माइंड में रख लीजिए कि लाइटिंग और लाइसोजेनिक बस इतना ही डिफरेंस आएगा एक स्टेप का, बाकी सारी प्रोसेस वही है. तो जब भी आप अगर जाने कि कोई इन्फेक्शन हुआ, वायरल का इन्फेक्शन हुआ, विद इन टू थ्री वीक्स उसकी डेथ हो गई, दैट मीन्स लाइटिंग साइकिल प्रोसेस हो रही है. लाइसोजेनिक में इट टेक्स टाइम. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो चैनल, कि आप लोगों को इस पर कमेंट करिए कि कैसा आपको चैनल लगा. बात करते हैं अब लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरस की. जैसे हमने बताया लाइटिंग और लाइसोजेनिक में डिफरेंस बताया, नेक्स्ट इज लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरस. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक? द ओनली वन स्टेप इज एड ऑन इन द लाइसोजेनिक साइकिल, इट इज द प्रोफेज फॉर्मेशन. प्रोफेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा और जो सारा स्टेप है वो सेम रहेगा. इट मीन्स
एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इनोक्यूलेशन, प्रोफेज फॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन, असेंबली और न्यू फेज रिलीज ऑफ न्यू फेज वायरसेस। तो यहाँ पे केवल एक स्टेप पढ़ा है, प्रोफेज फॉर्मेशन। हम लोग फिर से बात करते हैं सारी प्रोसेस की। एब्जॉर्प्शन मीन्स वायरस एडहेयर ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ देयर टेल फाइबर्स। दिस इज द वे टू रिमूव द वायरस। इजली यहाँ पे वायरस रिमूव हो सकता है क्योंकि केवल वो टेल फाइबर्स की सहायता से बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन। इट मीन्स द वायरस इंसर्ट देयर टेल पिंस इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल की बॉडी में उसने अपने टेल पिंस को पेनिट्रेट कर दिया। अब ये परमानेंट फिक्स हो गया। ये टेम्परेरी फॉर्म में था, इसको हम रिमूव कर सकते थे, बट व्हेन द वायरस इंसर्ट देयर टेल पिंस इनसाइड द होस्ट सेल, अब यहाँ पे इसको रिमूव किया नहीं जा सकता, इज द परमानेंट फिक्स। नाउ थर्ड स्टेप इज इनोक्यूलेशन। मीन्स वायरस फॉर्म्स द एंजाइम विच डिसॉल्व द सेल मेम्ब्रेन और द सेल वॉल ऑफ द होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ दिस पोर, स्मॉल पोर। द डीएनए और द आरएनए ऑफ वायरस इंसर्ट इनसाइड द होस्ट। स्टेप इज कॉल्ड इनोक्यूलेशन। मीन्स यहाँ पे एक छोटे से पोर का फॉर्मेशन हुआ, उस पोर के फॉर्मेशन से जो इसका न्यूक्लिक एसिड था आइदर ऑफ द डीएनए और द आरएनए, वो क्या हो गया, होस्ट सेल के अंदर आ गया। इसको कहते हैं इनोक्यूलेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस आया लाइटिक और लाइसोजेनिक में। लाइटिक में क्या था, जैसे ही वायरस का डीएनए होस्ट में आता है, होस्ट सेल का डीएनए नष्ट हो जाता है। बट इन द केस ऑफ लाइसोजेनिक, जैसे ही इसका डीएनए अंदर आया, इट अमलगमेट विद द होस्ट डीएनए, वो होस्ट डीएनए के साथ जुड़ जाता है। यहां पे क्या आपने देखा कि जो होस्ट का डीएनए है उसके साथ में वायरस का डीएनए जुड़ गया, इसको कहते हैं प्रोफेज। और इसी फॉर्म में वायरस जो है वो कई महीनों से लेकर सालों तक आपकी बॉडी में, आपकी सेल के अंदर वो स्टे करता है, नॉर्मली पड़ा रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा व्हेन यू गो फॉर द टेस्ट, आइदर ऑफ द एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन योर बॉडी। आप उसको टेस्ट कराएंगे तो मालूम चलेगा यू हैव द वायरस फॉर दैट, बट आपको कोई ऐसा सिम्टम शो नहीं हो रहा है कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोफेज फॉर्मेशन, इज द अमलगमेशन और द इंसर्शन ऑफ द वायरल डीएनए टू द होस्ट डीएनए। दोनों डीएनए का जुड़ना, अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो उसको कहते हैं प्रोफेज। और इसी फॉर्म में लाइसोजेनिक वायरस जो है वो प्रेजेंट रहता है कुछ समय से लेकर के कई महीनों तक, सालों तक पड़ा रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। व्हेन यू गो फॉर द सेवरल डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि वायरस आपकी बॉडी में है। व्हेन इट एक्टिवेट इट रिलीज फ्रॉम द प्रोफेज। इस प्रोफेज से वायरस का डीएनए अलग हो जाएगा और यहां से सारी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी आपकी, लाइटिक वाली। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी मैकेनिज्म वही चलेगी। तो डिफरेंस क्या हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। इन द केस ऑफ लाइसोजेनिक वायरस प्रोफेज का फॉर्मेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वायरल डीएनए गोज इन प्रेजेंट इन योर बॉडी, इन द होस्ट बॉडी फ्रॉम मंथ्स टू सेवरल ईयर्स, और वो वैसे ही प्रेजेंट रहेगा। जब एक्टिवेट होगा नाउ इट स्टार्ट्स द लाइटिक साइकिल। डिफरेंस है आपका लाइटिक और लाइसोजेनिक में कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइटिक वायरस में लाइसोजेनिक वायरस में। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज द लाइटिक वायरस, विच वन इज द लाइसोजेनिक वायरस। प्लीज़ ये टॉपिक जो था आपका बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की गई है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है लाइटिक लाइसोजेनिक को। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड
कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको कोई वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट।